रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आइए आपको सीधा ले चलते मध्य प्रदेश के सागर में। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज सागर की धरती पर जन समर्थन उमड़ा है। पिछली बार अपने यहाँ भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवाई थी। सागर ने फिर मन मना लिया है। फिर एक बार मोदी सरकार साथियों देश के विकास के लिए एक मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है ये मध्य प्रदेश और सागर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आया हूँ इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं इस दर्द को जानता हूँ और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथियों, आपको चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस इतने पर ही नहीं रुक रही। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे। और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, अगर मेरा विषय समझते हो तो, ये आपको मंजूर है क्या? आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, दो घर है तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी, ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये करने देंगे क्या? आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है, उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों? उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को देंगे,
पोती नाती को देंगे। और यही हमारे देश की परंपरा है, स्वभाव है, संस्कृति है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, कांग्रेस को देश के संविधान से नफरत है, इनको भारत की पहचान से नफरत है। इसलिए ये हर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे देश कमजोर हो, देश की साख कमजोर हो। ये लोग समाज को आपस में लड़वाने के लिए नए नए पैंतरे लेकर आते हैं। हमारी आस्था ने हमें सदियों से एकजुट रखा है। कांग्रेस पार्टी उस आस्था पर हमले करती है। अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कांग्रेस ने क्या किया, पूरे देश ने देखा। आपको याद है ना? याद है ना? भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। क्या ऐसी कांग्रेस को ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया, ऐसी कांग्रेस को ठुकरा देना चाहिए कि नहीं ठुकरा देना चाहिए? आपने इनकी भाषा सुनी है भाइयों बहनों? इनका विरोध केवल अयोध्या, राम और राम मंदिर तक नहीं है, इन्हें मंदिर और मंदिर जाने वालों से भी दिक्कत है। पिछले साल ही मैंने यहां सागर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि रविदास मंदिर बनाने से अच्छा था कि यहां कुछ और बन जाता। इतनी नफरत है इनको, कांग्रेस को एक महान दलित संत का मंदिर भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी सोच वाली कांग्रेस को एमपी से दूर रखने में ही भलाई है। साथियों, 7 मई को आपके पास एक बार फिर मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के भविष्य को संवारने का अवसर है। सागर लोकसभा से बीजेपी ने बहन लता वानखेड़े जी को उम्मीदवार बनाया है, उनको भारी मतों से जिताना है। मैं जानता हूं गर्मी बढ़ रही है, मैं ये भी जानता हूं कहीं कहीं शादी ब्याह का माहौल है, मैं भी ये भी जानता हूं कुछ लोगों को खेत में अलग अलग काम भी है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, कितना ही काम न क्यों न हो, लेकिन देश के लिए कुछ समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें अपना वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमने अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राष्ट्र निर्माण के इतने बड़े यज्ञ में हर किसी का योगदान होना चाहिए, और इसलिए भारी मतदान होना चाहिए। आप मतदान करवाएंगे? घर घर जाएंगे? मतदान के रिकॉर्ड तोड़ेंगे? पोलिंग बूथ जीतेंगे? आप
अपने वोट के साथ साथ जो अपनों के वोट है ना, उसको भी पोलिंग स्टेशन तक ले जाइए, करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, यहां से जाकर अपने मोहल्ले, अपने गांव के हर व्यक्ति को कहिएगा कि मोदी ने उनको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? बोलिए, भारत माता की।